अस्सलाम वालेकुम, क्लास 10th, लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में बेटा हमारे एक्स 1.4 कंटिन्यू थी बेटा। अभी तक बेटा लेक्चर नंबर 15 और 16 में हमने एक्सरसाइज 1.4 की बेटा टाइप 1 के क्वेश्चन को 4 पार्ट थे और टाइप 2 बेटा हमने की थी कि उस टाइप के क्वेश्चन आए तो किस तरह सॉल्व करने हैं। आज हमने बेटा सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन से लिखा हुआ है। आप एक नेक्स्ट टाइप होगी, टाइप 3 होगी 1.4 की बेटा, कि इस तरह के क्वेश्चन आज इसे कैसे सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये हमें गिवन है। ओके बेटा, ये गिवन वैल्यू है, इसको सोल्व कैसे करेंगे ये आज हम सीखेंगे। मैं आपसे बताता चलूँ, आप लोगों को सोल्व करना क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये सोल्व करने आती थी बेटा। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँगा तो ईजिली बेटा आप अपने किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा बेटा, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, क्लियर है। मैं लेट करने वाला हूँ क्या, ज़रा नोट करें, एक्स के प्लस एक्स एक्स के प्लस ए सेम वैल्यू है बेटा। इसको मैं वाई का नेम दे रहा हूँ, इसका नेम दे रहा हूँ वाई का नेम, क्लियर है बेटा। इसे वाई का नेम दिया तो पुट इन 1, यानी वैल्यू इक्वेशन में ये पुट करूँगा, यानी इनकी वैल्यू जो है वाई यहाँ पुट करने वाला हूँ। पुट करूँगा तो क्या आया, स्केयर रूट वाई प्लस 1 माइनस स्केयर रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। आपको ये इक्वेशन बनानी है तो आपको स्केयर रूट नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर दोगे। स्केयरिंग बोथ साइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में स्केयर आ गया और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, स्केयर आ गया, क्लियर बेटा। ज़रा नोट करें, यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, क्लियर बेटा। ये फार्मूला यहाँ पे एक जगह पे क्या आ गया, स्केयर रूट वाई प्लस 1 आ गया, और बी की जगह क्या आ गया, स्केयर रूट वाई माइनस 1 आ गया। ये फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a और b इज इक्वल टू बेटा 1 का स्केयर क्या आ गया, 1 आ गया, क्लियर बेटा। ये आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी, आगे रह जाएगा वाई प्लस 1, ये हो गया कैंसिल हो गया, आ गया वाई माइनस 1, ये माइनस 2 लिखा, इन दोनों स्केयर रूट को बेटा एक में कर दिया बेटा, सिंपल इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप सब बच्चे देखें बेटा, नेक्स्ट देखें बेटा, यहाँ पे आ गया वाई प्लस 1 आ गया, और वाई प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 एक में किया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा, आगे माइनस 2। अब यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, क्लियर बेटा। यहाँ पे लगा दिया, ये 1 और 1 क्या हो गया, 2y हो गया, माइनस 2 वैसे स्केयर रूट बेटा, ये y का स्केयर माइनस 1 का स्केयर क्या होता है, 1, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये प्लस 2y हो रहा है, इक्वल टू के इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया बेटा। अभी भी आपका स्केयर रूट ख़त्म नहीं हुआ, आप स्केयर रूट ख़त्म करेंगे तो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, आपने क्या लिखा, अगेन स्केयर स्केयर बोथ साइड, बेटा क्या कर दिया, अगेन स्केयर ले लिया बोथ साइड पे, यहाँ भी स्केयर लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे स्केयर ले लिया। अब बेटा मैंने माइनस 2 का स्केयर लैदा कर दिया और इस वैल्यू का स्केयर लैदा कर दिया, क्योंकि होल पे स्केयर था। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया, ए माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस के आ गया बी स्केयर। अब यहाँ पे ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है, 2y, तो 1 का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर आ गया। यहाँ 2 का क्या हो गया बेटा, 4 हो गया स्केयर, और ये आपस में कैंसिल हो गए, वाई स्केयर माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 1 आ गया, माइनस का 4y आ गया प्लस वाई स्केयर 4y स्केयर आ गया, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, 4y स्केयर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस 4y प्लस 4y स्केयर हो गया। अब बेटा सारी वैल्यू को एक तरफ लेके जा रहा हूँ, 4y स्केयर ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस माइनस है इधर आके प्लस हो गया, माइनस 4 वैसे ये प्लस इधर आके हो गया माइनस हो गया इज इक्वल टू आ गया 0। ये आपस में ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया सेम वैल्यू, बाकी क्या रहेगा, 4y माइनस माइनस प्लस साइन कौन सा माइनस का, और 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये माइनस हो रहा इधर आ क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/4 आ गया, 4y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/4। यहाँ बेटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वैसे नहीं बनी बेटा, ये सिंपली फॉर सॉल्व हो गया है, y का आंसर 5 फाइंड हो गया बेटा। लेकिन ज़रा नोट करें, क्वेश्चन हमें गिवन किसमें था, x वेरिएबल में, आंसर अभी किसमें है, y वेरिएबल में, तो अभी स्टॉप नहीं करेंगे, हमने जो लेट किया है उसे कन्वर्ट वापस करेंगे x में। तो y बराबर किसमें था बेटा, एक्स के प्लस एक्स था, सो बेटा एक्स के प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/y हो गया। 4 एंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, यहाँ पे 4x² हो गया प्लस 4x हो गया इज इक्वल टू 4
4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 रहेगा ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ज़रा चेक करिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब नेक्स्ट इसको आपकी मर्जी है बेटा, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केल से भी कर सकते हैं, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ज़रा सा बच्चे देखें जी, नेक्स्ट देखें बेटा ये 4xk + 4x - 5 क्वेश्चन बने, मैंने कंपेयर किया है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ax² + bx + c इज इक्वल टू क्या 0, a क्या हो गया 4, b क्या हो गया 4, c क्या हो गया 5, माइनस का 5। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या होता है, x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac ओवर 2a, पुटिंग दी वैल्यूज की बेटा -4 हो गया +√4² - 4 × 4 × क्या आ गया -5/2 4। अब -4 वैसे आ गया +-16 हो गया प्लस बेटा 80 हो गया, -+ हुआ 18/8 हो गया, ये 96 बन गया। 96 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैंने क्या बना दिया फैक्टर बनाए बेटा, 2 4 8 2 9 8 16, 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 3 2 3 6 3 1 3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी बेटा। यहाँ से पेयरिंग की बेटा, मैंने 2 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो बेटा ये 2² हो गया, ये 2² ये वैसे रह गया बेटा, बाकी सारी वैल्यू की वैल्यू ऐसे आ गई, स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिया बेटा, ओवर 8 आ गया, ये 2 2 से क्या आ गया कैंसिल हो गए, -4 + 1 2 × 2, स्क्वायर रूट 6 ओवर क्या रह गया 8 रह गया। ओके बेटा नेक्स्ट देखें बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया -4 + -4 हो गया, स्क्वायर रूट 6/8, 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या रह गया -1 रह गया, +1 स्क्वायर रूट क्या आ गया 6 ओवर क्या हो गया 8, 4 1 का क्या हो गया 4, 4 2 का क्या हो गया 8। अब बाकी क्या रह गया बेटा आपके पास, x इज इक्वल टू रह गया -1 + -, स्क्वायर रूट 6 ओवर क्या हो गया 2 हो गया बेटा। ये आपका बेटा क्या है आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट में इस आंसर को कैसे लिखेंगे बेटा, SS क्या आ गया सॉल्यूशन सेट में -1 + -, स्क्वायर रूट 6 ओवर क्या हो गया 2 हो गया बेटा। क्वेश्चन किस में था, x में, आंसर किस में आ गया x में, तो ये आपका गिवन क्या है आंसर है बेटा। ये अगर 9.4 में क्वेश्चन टाइप 3 तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बेटा इसको इस तरह सोल्व करेंगे। होम असाइनमेंट में सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स ए 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम यही पैटर्न होगा, अच्छे से आपने करनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी हो बेटा। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो या परेशानी हो तो वीडियो को रिपीट करके देखें। अगर फिर भी परेशानी होती है बेटा, किसी किस्म का मसला होता है, स्कूल विजिट करें, मुझसे आके यहाँ पूछ लें बेटा। ओके, आपके तमाम का शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।